ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਆਮਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਆਮਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਐ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ
मैं बेनती करती हाँ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरे कुदरत वाला खुदा साढ़े उत्ते दया करे अते साढ़े गुनाह नूं माफ करके सानूं सदीवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ प्रभु तू अपनी शक्ति दे जोश नूं विखा अते अपनी जोरावर ताकत नाल साड़ी मदद लई आ ता जो जिन्हां गल्लां उत्ते साढ़े गुनाह अड़चण पाउंदे हन तेरे रहम दा फजल उन्हां गल्लां नूं उभारे। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जिउंदा दे राज करदा है सदा तो सदा ती कर। आमीन। यशाया दी पुस्तक विचों उसदा 26 बाब 1 तो 6 आयत तक एक दी नार या है जदों यहूदा दी धरती उत्ते रह रहे लोग ये गीत गाउणगे साडा नगर मजबूत है परमेश्वर आप इस दिया कंधा दी रक्षा करदा है नगर दे फाटक खोल देवो अते वफादार कौम नू अंदर आउण देवो जिस कौम दे लोग पले कम करदे हन प्रभु तू उस मनुख नू पूरन शांति दिंदा है जिसका मन पूरी तरह नाल तेरे विच मगन रहंदा है अते जो तेरे उत्ते भरोसा रखदा है प्रभु उत्ते भरोसा रखो ओ तुहाड़ी हमेशा रख्या करेगा उसने हंकारियां दा सिर नीवा कीता अते उना दे मजबूत नगरां नू टा के मिट्टी विच मिला दिता हुण अत्याचार सहन वाले गरीब ते लोड़वंद ओना उत्तों दी लंघदे हन अते ओना नू अपने पैरां हेठ मिददे हन। प्रभु दी बाणी। खुदा दा शुकर होवे। लश्कराना खुदाए खुदावंदा तू लश्कराना खुदाए टिकाना तेरा मैनू चंगा लगाए टिकाना तेरा मैनू चंगा लगा
प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत मत्ती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। संत मत्ती दी अंजील ओदा सत बाप ओदी 21 आयत अते 24 तों 27 आयत तक। हर कोई जो मैनू प्रभु प्रभु कहंदा है स्वर्ग राज विच दाखल नहीं होवेगा, सगों ओ जड़ा मेरे बाप दी जो स्वर्ग विच है इच्छा पूरी करदा है। हर कोई जो मेरिया इन्हां गल्लां नूं सुणदा अते उन्हां दी पालना करदा है ओ उस समझदार आदमी वर्गा है जिसने अपना घर चट्टान उत्ते बनाया। वर्खा होई अते हड़ आए अते हनेरियां चलियां अते उस घर नाल टकराइयां पर ओ ना डिगा क्योंकि उसदी नींह चट्टान उत्ते रखी हुई सी। हर कोई जो मेरियां इन्हां गल्लां नूं सुणदा है अते उन्हां दी पालना नहीं करदा ओ उस मूर्ख वर्गा है जिसने अपना घर रेत उत्ते बनाया। वर्खा होई अते हड़ आए अते हनेरियां चलियां अते उस घर नाल टकराइयां अते ओ डिग पिया अते उसका नाश भयंकर सी। जदों यीशु ये उपदेश दे चुकिया तो भीड़ उसकी सिक्ख्या उत्ते हैरान रह गई। प्रभु दी पवित्र अंजील तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। मसीह विच प्यारे भराओ ते भैणो अते सारे जो इस टीवी माध्यम दे राही जां यूट्यूब चैनल दे राही जो इस पाक मास दे विच हिस्सा लै रहे हो सारे श्रोतियां नूं साडे वल्लों प्यार भरी जय सुखी। प्रभु यीशु मसीह दे विच असी इस पाक मास की कुरबानी दे विच हिस्सा लै रहे हाँ। साढ़े कैथलिक विश्वास की सब तो वड्डी ये प्रार्थना है। अज दी इस पाक मास की कुरबानी के दौरान प्रभु येसु की अंजील दे विचों जो संदेश सानू मिलिया है उस संदेश साढ़े इस समय के अनुसार विशेष करके इस आमन दे समय दे अनुसार साढ़े जीवन दे विच प्रभु येसु दे वल मुड़न दे लई एक बुलावा है, एक याद दिलाउन वाली गल है। क्योंकि प्रभु येसु ने जो वचन आज तो 2000 साल पहला इस धरती ते आके जो संदेश दिता बहुत सारे लोग खास करके साड़ी कलीसिया उस वचन नूं सारी दुनिया तक बहुत सारे लोगों तक पहुँचा रही है। अज जदों असी आमन दे समय उस महान घटना नूं याद करन दे लई उस महान घटना नूं मनाउन दे लई तैयारी कर रहे हाँ इस आमन दे समय दे विच तां प्रभु येसु दे उन्हां शब्दां नूं असी याद करदे उन्हां शब्दां उत्ते असी गौर करदे हाँ जो शब्द प्रभु येसु ने साढ़े एक आम जीवन तो लैके साडे रूहानी जीवन दे वल बहुत बड़ा संदेश जो दे रहे हैं उन्होंने साढ़े अगे रख्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु येसु का संदेश सुनते सन उस वेले भी सुनते सन और इस लंबे समय तो सुनते आ रहे हैं और अज भी सुन रहे हैं लेकिन उस दे संदेश उत्ते चलन वाले बहुत थोड़े हैं। प्रभु येसु दे संदेश नूं सुनना और उदे उत्ते चलना बहुत जरूरी है। जे असी केवल प्रभु येसु दे संदेश नूं सुन के उदे उत्ते चलदे नहीं हाँ तां प्रभु येसु ने साड़ी हालत उस घर वर्गी उस इमारत वर्गी दसी है जो रेत उत्ते बनाया गया है। एक कच्चा घर जो रेत उत्ते बनाया गया होवे उहदी कोई मनियाद नहीं हुंदी। जदों
तूफान आउंदे हन, हनेरी आउंदे हन, आउंदी आ हड़ आउंदा है, कुछ भी आउंदा है, इन्हां सारियां मुसीबतां दे अगे वो कमज़ोर हुंदा है और उहदे डिगण दी बहुत वड्डी उम्मीद हुंदी है और बहुत वार डिग पैंदा है। जबकि प्रभु येसु ने कहा कि जो घर चट्टान उत्ते बनाया गया है और जिस दियां कंधां पक्कियां हन, जिस दियां नीहां पक्कियां हन, उस नूं इन्हां हालातां दे विच गुजरदे होए कोई डरन दी लोड़ नहीं हुंदी, कोई चिंता करन दी लोड़ नहीं हुंदी, क्योंकि वो चट्टान उत्ते पक्कियां नीहां पक्कियां कंधां दे द्वारा बनिया होया है। इन्हां पक्कियां नीहां पक्कियां कंधां तों भाव है, नीह तो भाव है सब तो पहला प्रभु येसु मसीह। और जिस प्रकार असि घर नूं बनाउण वास्ते साडे कोल धन होना चाहिए है, पैसा होना चाहिए है, ता ही एक पक्का घर बनाया जा सकता है, ता ही चट्टान उत्ते घर बना, वो है साड़ी समझ जो प्रभु येसु ने जो सानू दिती है, अकल जो बुद्ध परमेश्वर ने सानू दिती है। उस बुद्ध नाल जेकर असी अपने विश्वास रूपी घर नूं प्रभु येसु जो चट्टान है उस उत्ते उसारदे हाँ, तां सानू हर इस दुनिया की साडे जीवन की मुसीबत दे विच कोई डरन की लोड़ नहीं हुंदी, क्योंकि प्रभु येसु आप साड़ी चट्टान है जिदे उत्ते साडा रूहानी घर साडे घर की उसारी बनी हुई है, टिकी हुई है। सचमुच प्रभु येसु मसीह ने यह संदेश साडे सब दे लई, हरेक मनुख दे लई हर दिन साडे कन्नां दे विच गूंजदा है, क्योंकि साडे विचों बहुत सारे लोग किसे किसे वेले असी यह सोचते हाँ कि असी प्रभु का प्रचार बहुत सारे लोगों तक करना है, लेकिन असी खुद हनेरे विच बैठे रहिंदे हाँ, असी खुद प्रभु के वचन तो दूर हाँ। अज सानू सब नू सोचन दी लोड़ है, हर एक मनुख नू अपने वल देखन दी लोड़ है कि मैं किन्ना परमेश्वर दे वचन तो दूर हाँ, कि मैं इन्ना कुछ सुन दे बावजूद भी किन्ना मैं प्रभु दे वचन उत्ते चल पा रहा हाँ। प्रभु येसु कहिंदे हन कि हर कोई जो मैनू प्रभु प्रभु कहिंदा है स्वर्ग विच दाखल नहीं होवेगा, केवल प्रभु प्रभु कहण दे नाल असी स्वर्ग विच दाखल नहीं होवांगे, असी उहदियां आग्ञावां उत्ते चलण दे नाल, उहदियां आग्ञावां नूं अपने जीवन विच पूरा करन दे नाल असी स्वर्ग विच दाखल होना है। और ये आग्ञावां असी दूजियां नूं तां सिखाउंदे हाँ, असी खुद भी चलणियां हन। हर एक मनुख ने अपनी जिंदगी विच झाती मारनी है कि असी मैं किन्ना कु प्रभु दीआं आग्ञावां उत्ते चल रहा हाँ। सचमुच प्रभु येसु दा वचन इन्हां आमद दे दिनां विच साडे लई प्रभु दे वल मोड़न दे लई एक बहुत बड़े उद्देश नाल दिता जा रहा, बहुत बड़े साडे वास्ते एक दिशा दर्शन रख रहा कि असी इन्हां दिनां दे विच जदों असी ये मनुखी जीवन जीव रहे हैं, प्रभु येसु दा संदेश इस करके सानू कलीसिया ने इस प्रकार ये अलग अलग समय बनाए हैं कि असी मनुख हाँ, असी इंसान हाँ, जरूर असी प्रभु तो दूर चले जाते हाँ, लेकिन असी समय समय से प्रभु वल मुड़ते रहिए, समय समय से प्रभु की बाणी वल, प्रभु येसु दियां आग्ञावां दे वल मुड़ते रहिए। हुण जदों असी प्रभु येसु दियां आग्ञावां प्रभु दे वचन की गल करते हाँ, तो इत्थे प्रभु येसु ने खास शब्दों के एक पॉइंट दसिया है, क्योंकि जो प्रभु येसु प्रचार करते सन, जो प्रभु येसु संदेश देते सन, तो प्रभु येसु यहूदी लोगों के नाल यहूदी लोगों के विच संदेश दे रहे सन, और यहूदी लोगों के कोल उन्हां दा धर्म ग्रंथ सी, लेकिन प्रभु येसु कहिंदे हन जो मेरिया गल्लां नूं सुणदा अते उन्हां उत्ते चलदा है, क्योंकि प्रभु येसु ने खुदा दे बेटे हुंदे हुए खुद आ के सच्चा वचन दिता है, सच्चा ईमान दिता है, सच्ची राह दिखाई, इस करके प्रभु येसु कहिंदा जो मेरिया गल्लां सुणदा अते उन्हां उत्ते चलदा है। जेकर असी अपने आप नूं मसीह अखवाउंदे हाँ, जेकर असी अपने आप नूं क्रिश्चन अखवाउंदे हाँ, तो असी प्रभु येसु दी सिक्ख्या नूं सुणीए, प्रभु येसु दे मुँहों जो सिक्ख्या निकली है, क्योंकि प्रभु येसु उस खुदा दा बेटा, आप खुदा मनुखां दे विच रह के मनुखां नूं सिक्ख्या दे रहा है। इस करके असी जेकर असी मसीह हाँ, तो प्रभु येसु दी सिक्ख्या दे वल अपना ध्यान लगाइए। प्रभु येसु मसीह ने कहा है कि इस करके, क्योंकि प्रभु येसु दे विच
माफ़ी है, प्रभु येसु दे विच प्यार है, प्रभु येसु मसीह दे विच जो प्यार है उहदे विच कोई ऊंच नीच नहीं है, प्रभु येसु मसीह दे प्यार दे विच कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आओ असीं प्रभु दा धन्नवाद करिए प्रभु दे वचनां दे लई, प्रभु दी बाणी दे लई, और जिस प्रकार प्रभु ने दस्या है कि तुसी जेकर सुरग राज दे विच दाखल होना है प्रभु दीआं आग्ञावां नूं अपनाइए, प्रभु दीआं आग्ञावां उत्ते चलिए। हर समय जदों साडे अगे मौके हुंदे हन पाप करन दे और आग्ञावां तों प्रभु दीआं आग्ञावां तों सिक्ख्या तों दूर होण दी, तां याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सानूं आग्ञावां उत्ते चलण दे लई कहा है, ना कि केवल सुन के ते उहनां नूं अपने मन विचों कढ देण दे लई प्रभु ने सिक्ख्या दित्ती है। प्रभु यीशु कहिंदा है जो मेरी सिक्ख्या उत्ते चलदे हन ਉਹ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀਏ, ਆਸ਼ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤ ਵਾਲੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਿਆਉਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯੁਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਪਾਕ ਪਾਕ
लश्करां दे प्रभु खुदा स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन उचाइयां विच होसाना मुबारक है ओ जिहड़ा प्रभु दे नाम उत्ते आउंदा है उचाइयां विच होसाना ए प्रभु तू सचमुच पवित्र है अते ए सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वड्याई करे तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राही अते रूह पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नूं जीवन बख्शदा अते पाक करदा है तू लगातार अपने लिए प्रजाई इकट्ठी करता रहता है ता जो चढ़ते सूर्य तो लैके लेंदे तक एक शुद्ध कुरबानी तेरे पवित्र नाम के लिए चढ़ाई जाए इसलिए ऐ प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हैं कि अपनी मेहर नाल उही रूप पाक दे राही इन्हां नजराणियां नूं पवित्र कर जो असी तेरी पाक हजूरी विच लैके आए हैं ता जो यह तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जाए जिस दे हुक्म नाल असी इन्हां भेदां नूं मनाउंदे हाँ जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई अते तेरा धन्नवाद करदिआं बरकत दित्ती रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां दित्ती ये कहिंदे होए तुसी सारे ये लाओ अते इस विचों खाओ क्यों जो यह मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुरबान किया जाएगा इस तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद करदिया बरकत दी प्याला अपने चेलियां नूं दिता ये कहिंदे होए तुसी सारे ये लाओ अते इस विचों पियो क्यों जो ये मेरे लहू का प्याला है नवे अते सदीवी नियम का लहू जो तुहाड़े ते बहुतियां वास्ते गुनाह की माफ़ी लिए वहाया जाएगा मेरी याद विच ये करिया करो ईमान दा भेद ऐ प्रभु असीं तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठण दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा इस लिए ऐ प्रभु असीं तेरे बेटे दे मुक्ति काड़े दुख भोग उस दे जलाले जी उठण अते स्वर्ग विच चढ़ जाण दी याद करी मनाउंदे हां अते उस दे दूजी वारी आउण नूं उड़ीकदे होए तेरा धन्नवाद करदे हां ए जीउंदी अते पवित्र कुरबानी तेनूं चढ़ाउंदे हां असीं बेनती करते हाँ कि तू अपनी कलीसिया के चढ़ावे उत्ते नज़र कर अते इस कुरबान हुए लेले नूं पछाण जिस दी कुरबानी तो राजी हो कि तू साडा तेरे नाल मेल कराया है बख्श दे कि असीं तेरे बेटे दे बदन ते लहू नाल रजाए होए अते उस दे रूह पाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाइए उह सानूं तेरे लिखस दी वी नजराना बनावे तां जो असीं तेरे चुणिया होया नाल खास करके तन कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल उस कुवारी दे मुबारक वरसन यूसुफ दे नाल तेरे तन रसूलां नाल तेजस्वी शहीदां नाल अते सारे संतां नाल उन्हां दे विरसे दे वारस बन जाइए इन्हां वल्लों तेरी हजूरी विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उत्ते असीं भरोसा रखदे हां ऐ प्रभु असीं बेनती करदे हाँ कि साढ़े मुड़ मिलाप की एक कुरबानी सब दुनिया की शांति अते मुक्ति लई असरदायक होवे तू कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नूं अपने सेवक संत पापा फ्रांसिस साढ़े बिशपां नूं कुल दुनिया दे बिशपां परोहितां ते सब लोकां नूं जिन्हां नूं तू अपना बना लिया है ईमान ते प्यार विच मजबूत बनाउण दी मेहरबानी कर कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नूं कबूल कर जिस नूं तू अपने सामने सद्दण दी मेहर कीती है ऐ दयालु बाप संसार भर विच खिलरे होए अपने बच्चिआं नूं अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਖੁਦਾ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਾਈ ਤੇਰੀ ਹਨ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ ਆਮੀਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
असी ये आखण की दलेरी करते हाँ। आए साढ़े बाप जेड़ा आसमान उते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है, जमीन ते भी होवे, साडे रोज दी रोटी आज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर, जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां, सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुराई तों बचा। ऐ प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां, सब बुराइयां तों सानू बचा, अपने रहम नाल साडे समें विच शांति दे, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀ ਕਰ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛਾਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਦੀਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੈਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦਿਲਦਾਰੀ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।